ईवीएम की जगह चुनाव आयोग ही हैक हो चुका है। ये हम नहीं बोल रहे बल्कि पूरा देश कह रहा है। 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, लेकिन ईसीआई ने अभी तक देश को ये नहीं बताया कि कुल कितने मतदाताओं ने किस लोकसभा में मतदान किया है। यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी चुनाव आयोग ने देश को अंधेरे में रखा हो। अभी तक इस चुनाव में चुनाव आयोग ने कुल प्रतिशत में डेटा जारी किया, जो मतगणना के बाद रातों रात 6% तक बढ़ गया, लेकिन चुनाव आयोग गोल मटोल बातें करता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जब चुनाव आयोग से कारण पूछा तो ईसीआई का कहना था कि रातों रात डेटा जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये क्या हुजूरे आलम, चुनाव आयोग आपने ही तो सुप्रीम कोर्ट में बैलेट पेपर से चुनाव की सुनवाई के दौरान कहा था कि ईवीएम से चुनाव इसलिए कराए जाते हैं ताकि मतगणना में कई दिनों का समय न लगे और रिजल्ट तुरंत आ जाए। फिर महीनों बाद भी ये आंकड़ा आपकी जादुई ईवीएम क्यों नहीं दे पाई? क्या चुनावों में बड़ी हेराफेरी के लिए डेटा छिपाया जा रहा है? जवाब तो आपको देना ही होगा।